नमस्कार और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। आज हम देखने जा रहे हैं राग रागेश्री। पिछले हफ्ते हमने बात की थी राग अभोगी की और ये कहा था कि अभोगी जो है वो संपूर्णता की ओर जाता है जब उसमें हम एक सुर ऐड करते हैं। वो क्या हो रहा था? अभोगी था। इसमें कोमल निषाद ऐड करने से वो बागेश्वरी की तरफ जाता है और बागेश्वरी संपूर्णता का फील देता है। अब हम जाएंगे बागेश्वरी की दूसरी तरफ और देखते हैं कि उसमें एक परिवर्तन करते हैं और जो ये कोमल निषाद है ये जो कोमल गंधार है वो कोमल निषाद के साथ में संवाद रखता है और यही कारण है उस संपूर्णता का फील जो आ रहा है उसका। अब हम ये करेंगे कि ये जो कोमल गंधार है उसको बदलेंगे और उसको शुद्ध गंधार कर, उससे ये जो संवाद की शक्यता है वो निकल जाती है और फिर राग जो है वो एक स्केल की तरफ जा रहा है। तो अब इस कोमल निषाद के साथ ये शुद्ध गंधार मेल नहीं खाता है और संवाद की शक्यताएं कम होती जाती। ये है राग रागेश्री। देखते हैं रागेश्री कैसे बन रहा है और इसी स्केल में फिर हम ढूंढने लगते हैं अपना अपना चलन। ये हिस्सा जो है वो बागेश्वरी का है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं शुद्ध गंधार सीधे। फिर आएगा मध्यम, या तो इस ऋषभ को गम रे करने से ऋषभ सामने आता है और ये फिर हमें बागेश्वरी अंग की तरफ ले जाता है। ये बागेश्वरी जैसी मूवमेंट है। और फिर मध्यम प्रबल हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। बागेश्वरी शुद्ध गंधार के साथ लेकिन अब जब हम इस गंधार से निकलते हैं उत्तरांग की ओर जाने के लिए तो थोड़ा सा फिर खमाज का एहसास होने लगता है। फिर खमार जैसे नीचे उतरना हुआ
फिर पूरा का पूरा बागेश्वरी का चलन हो गया है। करके जो हम स्केल की तरह देख रहे थे, क्योंकि संवाद शक्यताएं कम हो गई हैं, ये तो स्केल हो गया। लेकिन हम जब राग को प्रेजेंट करने की सोचते हैं वाद्य वादन में या गायन में, तब हम चलन की सोचने लगते हैं। और फिर या तो बागेश्वरी की तरह या तो थोड़ा सा खमाज उसमें ऐसे फिर दिखने लगता है। इस तरह ये जो एक स्केल है, एक राग का रूप धारण कर लेता है। एक बंदिश सुनते हैं, बहुत ही अच्छी बंदिश है, तीन ताल में। Thank you.
रहा राग रागेश्री, अब इसी में और थोड़ा सा परिवर्तन करके एक और राग की तरफ चलते हैं। अगले हफ्ते देखते हैं राग भिन्न शैली।